हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय माता दी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बेसन वाली लौकी। इसके लिए हमने लिया ये लौकी और इसको हम सबसे पहले इसको कुकर में डाल के उबाल लेंगे। इसके लिए हमने लौकी को काट के धो के रख लिया है और इसको हम पहले उबाल लेंगे। हेलो गाइस, और ये लौकी हमारी उबल चुकी है। हम इसको हम नीचे उतार लेंगे और इसके बाद हम इसमें चढ़ाएंगे कढ़ाई। हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, तेल को हम थोड़ा गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/2 हींग, 2 तेज पत्ते। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी लहसुन की कलियां। कुछ हरी मिर्च, इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा। लहसुन पकने के बाद इसमें हम ये डाल देंगे थोड़ा सा, एक छोटा कटा हुआ प्याज, हमारी उबली हुई लौकी रखी हुई है। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, इसमें हमने थोड़ा सा बेसन मिला लिया। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, हल्दी का 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर हम बेसन की सब्ज़ी जब भी हम बनाते हैं, नॉर्मल मसाले वाली सब्ज़ी से ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बिल्कुल बहुत ही सौंधा सा स्वाद होता है इसमें। इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये हमारा तैयार हो, तब तक हम मसाले को देख लेंगे। प्याज हमारा पक चुका है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी, क्योंकि हमने पहले से भी थोड़ा सा मसाला इसमें मिला रखा है, तो इसलिए हम थोड़ा कम यूज़ करेंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च बहुत कम यूज़ करेंगे हम।
उसके बाद हम ये बेसन और लौकी के पेस्ट को इसे मिक्स कर देंगे और इसे हम कम से कम 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक हमारा बेसन अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता है। क्योंकि जब तक बेसन हमारा अच्छे से फ्राई नहीं होगा, सब्ज़ी का टेस्ट हमारा अच्छा नहीं होगा। तो हम कम से कम 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमने लौकी को उबाला है, अगर आप चाहें तो इसको बिना उबाले भी बना सकते हैं, बस फर्क इतना है इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। तो सब्ज़ी को जल्दी बनाना है तो इसके लिए हम थोड़ा सा लौकी को हल्का सा उबाल लेंगे, नहीं तो हम इसको कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्राई करते रहेंगे। ये मसाला हमारा फ्राई हो रहा है, अभी भी हम इसको 5 मिनट तक और फ्राई करेंगे। जितना ही इसको हम फ्राई करेंगे उतना ही हमें सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए सब्ज़ी को जितना आप फ्राई करते हैं उतना ही स्वाद अच्छा आएगा। और ये लौकी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे कम से कम एक गिलास तक पानी। उसके लिए हमने ये बेसन वाला ही पानी यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा पानी हम यूज़ नहीं करेंगे, बहुत पतला भी नहीं अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा ही रखेंगे। और अब हम इसको धीमी आंच में पकने देंगे। इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच नमक और इसको पकने देंगे। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। इस तरह से अगर हम बेसन की सब्ज़ी थोड़ा सा बेसन का यूज़ करके ये लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी हमारी तैयार होती है। नॉर्मल मसाले वाली सब्ज़ी से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे और इसको और सर्विंग बाउल में पलट लेंगे। और आज की ये हमारी बेसन वाली लौकी की सब्ज़ी तैयार है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए और प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।